कि अगर निधा को डिस्चार्ज मिलेगा तो मेरा जो ड्रीम है बहुत टाइम से वो ड्रीम मैं पूरा करूंगा, वो चीज मैं निधा और मेरे बेबी के लिए सरप्राइज रखूंगा। तो वो ढूंढते वो लेंगे, थोड़ी बहुत मिठाई लेंगे हॉस्पिटल में बांटने के लिए और फिर माशाल्लाह से निधा का डिस्चार्ज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब्बा पर्दा जब तक हटेगा नहीं जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम क्या दे रहे हो। और अब्बा को अभी तक हम लोगों ने शक्ल नहीं दिखाया है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि अब्बा को हम लोग और तरसाए, क्योंकि अब्बा 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं आए तो हम लोग बोले कि थोड़ा 1-2 घंटा तो एटलीस्ट हम तरसा सकते हैं। 1 2 3 पर्दा खुल गया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नवजग भरी छोटी सी दुनिया में। आज का दिन इतना सनी है मतलब कि ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो जाऊं मैं और जाऊं हॉस्पिटल, जाके देखूं कि निधा के डिस्चार्ज का क्या सीन है, कि आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है गाइस, एक तो ऊपर से मेरी आवाज ही बैठी है तो मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही बात करने में, जिसकी वजह से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जा रही है। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है आप लोग समझते ही हो ये चीज। तो गाइस यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह सुबह सुबह चाय रख दिया हूँ खुद से ही, घर में कोई नहीं है। अब्बा गए हैं जिम अपनी बॉडी बनाने, बोले मेरा जो पोता है या पोती है जो बोले वो आएंगे तो उनके लिए मेरी बॉडी अच्छी खासी दिखनी चाहिए। मैं बोला अब्बा उसको समझ में भी नहीं आने वाला कि तुम बॉडी बनाए हो कि मोटे हो। बच गए हैं 12:10। और गाइस चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खाने का तो लोगों के बचपन का शौक रहता है, बचपन में हर कोई ये खाता है और इतनी मजा आती ना गाइस, मैं तो एक साथ 4-4 बिस्किट डुबाता हूँ और खाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मुंह खोलूंगा आप लोगों को दिख जाएगा, मजा आ गया। तो गाइस हो गया मेरा चाय नाश्ता और चलते फटाफट हॉस्पिटल और देखते वहां का अपडेट क्या है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल में और यहाँ पर गाइस बेबी के लिए पंखा बंद रखना पड़ रहा है, तो इतना गर्म हो रहा है ऐसा लग रहा है हम लोगों का डीलक्स रूम लेके कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एसी हम लोगों ने 3-4 दिन बार चालू नहीं। बताओ तो अगर हम लोग ने डीलक्स रूम ले लिए एसी के लिए लिए थे हाँ। कि हमारी प्राइवेसी हो, बच्ची की प्राइवेसी हो, प्राइवेसी और एसी भी, क्योंकि नौशीन जहाँ पे रुकी थी वहाँ पे बिल्कुल भी एसी नहीं था, तो उसके लिए मैं बोला कि निधा वहाँ पे नहीं रह पाएगी तो हम लोग डीलक्स रूम में जाते। ऐसा कुछ नहीं था, झूठ मत बोलो। मैं अपनी वाइफ की कम्फर्ट डॉक्टर ने बोले है कि एक हफ्ता रुकना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? क्यों डॉक्टर ऐसा बोले? उसको कंफर्टेबल आराम बोले, डॉक्टर लोग निगरानी में रहेगी, देखते रहेंगे। तो बोले नहीं आप लोग ने कुछ? नहीं, कभी क्या बोल सकते, अब निगरानी डॉक्टर जो बोलेगा वही बोलेंगे ना। डॉक्टर बोले कि आपके पति ने बोला ना कि आपकी कंफर्ट जोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए यहाँ पे रह जाओ एक हफ्ते के लिए। क्या करेंगे यहाँ पर, तो वैसे बिल बढ़ता ही जा रहा है, 2.5 लाख रुपए तो पहुँच गया। इसी पानी ला के देंगे, सब मुँह में सब पिलाएंगे, समझो कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए का बिल बनाएंगे। 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए तो स्टार्टिंग है। मैं तो ये सोचता उसको उनको बोलो कि भाई छोड़ दे और अपने ना सीधा महाबलेश्वर या लोनावला में बंगला ले ले। हाँ उतने पैसे में सही में निधा बंगला आ जाएगा, 4 नाइट 3 डेज का पैकेज आ जाएगा। उन्होंने यही बात यहाँ पे कुछ करे थे ना, तो डॉक्टर ने शायद सुन लेती ना, 1 महीने का पैकेज ना। दीवारों के भी कान होते हैं, वो सही बात है। चलो ठीक है, तो देखते मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। वैसे भी टाइम हो गया नमाज का, 1:30 बजे की जमात है गाइस, 1:10 हो गए हैं। चलो मिलता हूँ फिर मैं। क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, बराबर चुमो आगे तो आओ। ईदी मिलेगी बेटा, ईदी मिलेगी। तो गाइस सुफियान जा चुके हैं अंदर वॉशरूम में वजू करने के लिए और उनको हम लोग धमाका देने वाले हैं। उनको बोले ना कि एक हफ्ते के लिए हम लोग यहीं पर रहने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मुझे डिस्चार्ज मिल चुका है मॉर्निंग में ही। उनके साथ हम लोग थोड़ा सी मस्ती कर रहे थे, आयश कहिए सोच बाहर आने वाले है। सूफी हाय, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, हमें को डिस्चार्ज मिल गया है, तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे हम लोग। अल्लाह का शुक्र है कि डिस्चार्ज मिल गया, वरना मैं तो बोला था एक हफ्ता फिर से रोज रात में लेटना पड़ता 4 बजे। ये घर में आता था एसी चालू करता था, आइजल के लिए परेशान करके रखा था, आइजल कब जाएगी मैं चालू करूंगा। अभी इसकी वजह से ना पंखा भी नहीं चालू, सो रहा है, मैं सुबह उठ के पंखा चालू कर रही हूँ, साइड का पंखा बंद। नहीं ठंडी है, ठंडी नहीं बेटा, अरे ठंडी है, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी फास्ट ठंडी है इसके लिए। चलो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ फटाफट, फिर फटाफट तुम्हारा डिस्चार्ज हो, अल्लाह का शुक्र है, कांग्रेचुलेशन। तुम जल्दी से आओ, पैकिंग करने का है। कांग्रेचुलेशन अंकल, तुम्हारा भी हाथ छू लेता हूँ अच्छे से, पैसा का है।
पैसा का अमीर आदमी देखे नहीं, गरीब लोग आए। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ नमाज पढ़ने के लिए और बहुत टाइम बाद मैं मीनारा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला हूँ गाइस। और मेरे बच्चे के लिए मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह उसकी जो सेहत है आगे भी अच्छी हो और उसकी उम्र भी लंबी हो और गाइस माँ बाप का फरमा बरदार हो, बहुत कुछ दुआएं करूंगा गाइस। यहाँ पर है मीनारा मस्जिद, यहीं पर आज पढ़ेंगे हम लोग नमाज। तो गाइस माशाल्लाह से मैंने नमाज पढ़ लिया हूँ, नमाज मुकम्मल हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ वो गिफ्ट लेने के लिए जो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर निदा को डिस्चार्ज मिलेगा तो मेरा जो ड्रीम है बहुत टाइम से वो ड्रीम मैं पूरा करूंगा, वो चीज मैं निदा और मेरे बेबी सरप्राइज रखूंगा कि रहेगी नॉर्मल बट मेरे लिए बहुत खासे तो वो खांसी हुई तो वो ढूंढते वो लेंगे, थोड़ी बहुत मिठाई लेंगे हॉस्पिटल में बांटने के लिए और फिर माशाल्लाह से निदा का डिस्चार्ज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइस जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है फाइनली। ये चीज मैं आप लोगों को डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर दिखाऊंगा, जब मैं निदा को ये दिखाऊंगा तभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आई होप कि निदा को ये अच्छा लगे और कलर भी जो है वो भी अच्छा लगे। सो गाइस वो जो चीज थी जो मैं आप लोगों को बोल रहा था मेरा ड्रीम मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब ड्रीम तो पूरा होगा बट वो जो लेने आया था मैं वो नहीं ले पाऊंगा, दूसरी चीज मैंने मंगवाया हूँ और अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में क्या हुआ। तब तक मैं यहाँ पर अफलातून लेने आया हूँ गाइस क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, सबको हम लोग चाय सबका मुंह मीठा करा है। 2 किलो अफलातून ले लेंगे, कम से कम 25-30 अफलातून आएंगे, सबको एक 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 बांटते जाएंगे, सबको खिला देंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर डिस्चार्ज के लिए, जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज मुझे नहीं मिल पाई गाइस क्योंकि ऐसा सीन हो गया। सॉरी तो अभी उसके बिना ही जाना पड़ेगा। बट गाइस एक चीज आज बहुत स्पेशल है, आज ये स्पेशल है कि जो मेरे अब्बा है जो इसके दादा है उन्होंने इसकी शक्ल अभी तक नहीं देखे है। तो सबसे पहला हम लोग जाएंगे मेरे घर पे क्योंकि गाइस निदा के घर पे हुआ है पेस्ट कंट्रोल। तो गाइस अभी अब्बा को दिखाएंगे, हम लोग नीचे आएंगे अब्बा लेने तो लेकिन बच्चे के मुंह पे कवर रहेगा तो अब्बा यहाँ नहीं देख पाएंगे। हम लोग घर पे जाएंगे तभी अब्बा को फेस दिखाएंगे, अब्बा का रिएक्शन वहीं पर कैप्चर करेंगे। ठीक है गाइस तो चलो चलते हैं, डिस्चार्ज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं। तो गाइस हमारी बेबी की मम्मा भी हो चुकी है रेडी, तो निकलेंगे फटाफट। बज चुके हैं 4, अब और इंतजार नहीं हो रहा है, 2 बजे निकल जाएंगे, ये वो सब डिले हो गया। चलो सही है, आ गए ये सब और ये आ रही बेबी आई, मेरे साथ एंट्री हो रही है मेरी सुफियान पूरे फुको के साथ और पीछे क्वीन आ रही है और ये आ गई क्वीन। हाँ बड़ी जोरदार एंट्री हो रही है, अब ये निदा के घर में एंट्री हो रही है। शुभ कदम रखे हुए, शुभ कदम पहला सीधा पैर ही रखे इसके बाद माशाल्लाह। अब बाहर भी वैसे लगी गेट पे, हालांकि उसको याद नहीं होगा कौन सा पैर रखना है, फिर भी उसे सीधा ही रखी। और ये अच्छा नहीं शादी से होता है दूध पिला जैसे सब उसका एनर्जी मिला है। हम लोग आ चुके हैं मेरे घर पे यहाँ पर और नीचे अरसलान भाई भी गाइस आ गए थे मिलने के लिए। तो अब्बा जो बच्चे की शक्ल तो देखी नहीं ना तुमने, पक्का इसके लिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पे पर्दा डाल दिया, निदा को पीछे रिटा दिए मुंह दिखाई के लिए। जब जब अब्बा जब रेडी हो जाएंगे तब मैं अब्बा को शक्ल दिखाऊंगा बच्चे के, लेकिन उसके पहले अब्बा तुम्हारे को कुछ रखना पड़ेगा बच्चे के लिए, तुम दादा हो। ये तो मैं मंगवाया तुम्हारे से, हाँ वो 700 रुपए तुमको देने वाला हूँ, इसका खर्चा होगा 750 रुपए। पहले हाथ में कुछ रखो बच्चे के लिए तभी तुमको दिखाऊंगा मैं। हाँ तो हाथ में रखो, जेब में मत रखो। क्या बोलते अम्मी, दादा का फर्ज होता है कि जब बच्चे पहला बेटा हूँ मैं, पहले बेटे का पहला बच्चा, इसके लिए तो मैं उसको ढेर सारी दुआएं दूंगा। पागल दुआ नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी और मेरी आवाज से अगर मेरा बच्चा परेशान हुआ तो तुम देखो आवाज आ गई रोने की, दादा से पैसा मत ले ऐसा बोलते हैं। वो मेरी आवाज से ही चुप होगा, मेरे को बात करनी पड़ेगी उससे। बेबी बेबी क्या हो गया, देखो शायद हो गया बेबी, मैंने ली गोद में। बेबी बेबी क्या हो गया आपको, बेबी बेबी क्या हो गया आपको, अब्बू बहुत चिल्लाते बाबा। अब्बू नहीं अम्मी, इट्स डैडी, नहीं अब्बू, इट्स डैडी। अब्बू कर रही हूँ, क्या कर रही है मैं, क्या हो गया बेबी, तेरी आवाज से ही बच्चे की आँख खुलती है। छी मुँह धोया था तो बहुत आ रही थी आज मेरे मुंह से छी। अरे वो सुबह खाया था ना मैंने अंडा खाया ना, मम्मा कीटाणु आ गए, आप तो कीटाणु आए। गाइस निदा यहाँ पे लेट गई है बहुत ही थकी हुई बेचारी। गाइस लिटरली जो ऐसी हालत में हम लोग बाइक पे आए हैं वहाँ से इतना दूर बाइक पे ट्रेवल करके, और सबसे बड़ा मेन टास्क तो ये था कि जो सीढ़िया है उस सीढ़िया चढ़ के ऊपर आना गाइस जस्ट डिलीवरी के बाद, मतलब आसान काम बिल्कुल नहीं होता वो चीज। तो चलो शक्ल दिखा देवे क्या अभी, कुछ तो दो, कुछ भी दो, कुछ तो दो, मेरा पर्स रख दो, मेरा पर्स है। हाँ तभी तुमने इतने खुशी से निकाल के दिए, देखो ना वो साड़े, हाँ तो क्या। सो गाइस हमारे घर में जो है बच्चों की जगह वो फिक्स है क्योंकि है ये जहाँ पे आइजल भी सोती है, ये भी सो रही है। हम लोगों ने इसको बेबी प्लेस बोल दिया नाम इसका, क्या नाम है, बेबी प्लेस। दादा दादी सोते होते हैं,
देखो बता बा, पर्दा जब तक हटेगा नहीं जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम क्या दे रहे हो, कुछ तो रखना दादा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे को दादा बनने की खुशी कितनी है, तुम अपने दिल से क्या दे सकते हो, मैं वो देखना चाहता हूँ। आता हूँ नहीं, इधर ही खड़े हम लोग। जाओ जाओ, ये पानी केक वेक नहीं चाहिए, मुंह मीठा हम लोग बहुत किए, एक साल से मुंह मीठा करते हैं, रोशन का मुंह मीठा कर लिया। नहीं नहीं, ये कल का ही जो रोशन लाई थी, हम लोग को कुछ नया चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। अम्मी देखो कैसे दादा मम्मी आ रही है, अरे वो तो, अरे वो तो वसीयत में लिखाई है, उसके अलावा क्या दे रहे वो पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं है, नहीं नहीं, अभी अभी कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। नेता देखो कैसे कंजूस दादा यार, नेता क्या बोलने का बताओ। अभी नहीं दूंगा, बहुत सारी चीजें जमा करके एक साथ। नहीं 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 नहीं, हमारी छट्टी आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम मेरे को अभी जबान दे दो कि तेरा बच्चे को जब मैं देखूंगा, तेरे बच्चे को देखने के बाद मैं ये चीज दूंगा तो मैं मान के तुमको वो दिखा दूंगा। जो तू बोलेगा वो, जो तू बोलेगा नहीं, अभी तुम बोलो तुम क्या दे सकते हो। आप जमा करके दे रहे हो, मेरा पहला जो भी है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, 10-12 दिन समझ पड़ता ना उसको। हाँ तो आइजल को दिए ना, कुछ भी नहीं दिया मम्मी ने, चिल्ले में दिया कंफर्म कुछ अच्छा ही दोगे। अच्छा इंशाल्लाह, दादी लोग की तरफ से ना छट्टी आती है और नानी लोग की तरफ से ना सवा महीने में जो सिल्ला होता है ना वो जाता है। कुछ मैं निदा से डिस्कस करके आता हूँ गाइस। क्या बोलते हैं, चावल दिखा देनी चाहिए। हाँ दिखा दो शक्ल, उनका तो वो है खून है, खून है, दिखाना तो है ही। भरोसा कर सकते हैं, देख क्या हो। हाँ कर सकते, मेरी आवाज बेटी मेरे को बहुत ताकत लगानी पड़ी। देखो एक तुम्हारे पे अब्बा पे भरोसा नहीं होगा, पर अम्मी पे और मेरे पे भरोसा है, हम लोग जमा करके दे देंगे। चलो ठीक है, हम लोग का फर्ज हम लोग निभाते। चलो ठीक है, फिर दिखाई देते। सो गाइस, अरसलान भाई और मैं बाहर निकल गए दवा लेने के लिए निदा की, और अब्बा को अभी तक हम लोगों ने शक्ल नहीं दिखाया है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि अब्बा को हम लोग और तरसाए, क्योंकि अब्बा 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं आए, तो हम लोग बोले कि थोड़ा 1-2 घंटा तो एटलीस्ट हम तरसा सकते हैं। तो अब्बा गए मेरी बहन के घर पे खाना लेने के लिए, मम्मी हॉस्पिटल में थे तो मम्मी ने खाना नहीं बनाया और मैंने अपने लिए खाना बाहर से मंगवा लिया। तो पहले दवा लेते हैं, निदा को दवा खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे और फिर फुर्सत में अब्बा को दिखाएंगे शक्ल। तो गाइस फाइनली अब्बा आ चुके हैं, शक्ल तभी दिखाऊंगा जब तुम कुछ दोगे, हम लोगों ने ठान लिए। चलो पहले खाना खाएंगे फिर दिखाऊंगा। सो गाइस फाइनली अब बारी है अब्बा को दिखाने की बेबी को, ठीक है। अब्बा बहुत तरस रहे, कब से बोले दिखा दे दिखा दे दिखा दे। बेबी यहाँ पे सो रही है हमारी, और हमारी बेगम भी यहाँ पे सो रही है। तो मम्मी क्या बोलते, दिखा दूँ अब्बा को लास्ट टाइम? 3-4 दिन हॉस्पिटल में नहीं है, 3-4 घंटा तरसाना तो बनता ही है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पर्दा हटाओ जब बोलूंगा 1-2-3, ठीक है 1-2-3। पर्दा खुल गया है, देखो कॉपी है ना मेरे जैसा है यार, नीदा जैसा ही है चट्टू। इसका नाम हम लोग है गुड्डू, लड़का और लड़की सबको गुड्डू बोलेगा। बेबी किसका है, बेबी अपना है तो प्यारा तो होगा ही ना। नहीं दे सकते ना, नहीं अभी नहीं दे सकते मम्मी। सो अब्बा को तो गोद में तो उठाओ, नहीं 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 उठाओ ना, उठाओ ना नजदीक से दिखाओ। अब्बा की तो बोलती बंद हो गई यार एकदम देखते ही। देखना अरे इतने कांप क्यों रहे हो, थोड़ा चलो थोड़ा चलो, अपना ही खून है, क्या बात है। हाँ निदा को भी है, निदा को भी है, निदा को भी है वहाँ कसम। मतलब अब्बा और निदा बाप बेटी तो नहीं है। मैं अभी वही बोलने वाला था, मतलब बुरा नहीं बोला, अच्छा तूने बोल दी। खाने पीने में भी पसंद दोनों की। हाँ और हरकतें भी दोनों की सेम है, तो बोलती है बोली मेरी अच्छी है। और अब्बा तुमको एक बात मालूम है कि अपने खानदान में पहला बेबी है। माशाल्लाह, टीका लगाओ अब्बा, तुम्हारा कलर लगाओ थोड़ा सी। कुछ भी तो बुरा कलर एक ही है। हाथ तुम चलो, बलाई ले लो बलाई और दुआ दे दो, सर पे हाथ रख के बड़ा फूटी फूटी। और कुछ और तुम्हारा आईफोन रख दो अब्बा इसके लिए। पागल है क्या आईफोन, इधर लाओ इधर उसके बाप को दो। गाइस एक अगर वापस मांगे, हाँ उतारो सोने जेवरात उतारो। हाँ एयरपोर्ट्स निदा बोले चलो सो ले रहे सब फिराक में ले लू बोले ऐसा लगता है हमारी जिंदगी ना मतलब कब अभी शुरू हुई है अभी शुरू है। सही बात है माशाल्लाह, नहीं यार सही बात है सही बात है। मतलब हम लोग का पहला बेबी है तो हम लोग को कितनी खुशी है, मतलब कि मम्मी डैडी लोग के तो बेबी के बेबी है। सोचो गाइस ये कैसा मालूम है, रिटायरमेंट के बाद का रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट हो गया बच्चा संभालो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक जवान है सब लोग। थक गई, अरे रो रहे, अरे
ऐसा नहीं कहा। अरे रो क्यों रहे हो तुम जबरदस्ती? क्या याद आ गया? मेरी याद आ गया, मैं बचपन में ऐसी था ना। अम्मी कहाँ तुम भी इतना टेंशन ले रहे, कुछ नहीं है। मैं कितना खुश हूँ, शादी कब होगी, सुप्रन की नहीं शादी कब होगी, कब बच्चे घर में आएंगे, मेरे मरने से पहले आ जाओ। अरे यार अम्मी यार तुम तो ऐसा इमोशनल हो जा रहे। अरे अरे ये क्यों इमोशनल हो जा रही है, तुम भी रो रहे। इसके बाल भी अब्बा बाल माशाल्लाह बाल भी देखो सेम देखो। अब बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी पे भी जाए, बस हेल्दी रहे, बस हम अपन सब पे ख्याल रखे, हमारा बेबी। तू करती रहे छोटी होके। सो गाइस फाइनली आइजल भी आ चुकी है, अब हम लोग लड़वाएंगे दोनों को। ये लड़वाएंगे WWE। जा जा आइजल के बाजू में रख, आइजल को बाजू में रख, जल्दी रख आइजल को बाजू में। आइजू बेबी आ गई, अभी अभी आइजल को मार पड़ेगी, आइजल को मार पड़ेगी। दोनों ऐसी लड़ेगी, एक बोलेगी मैं नाना के पास, एक बोलेगी दादा के पास। किधर आया पापा से मिलने हैं पापा से। तो गाइस ये मंजर देखने के लिए आंखें तरस गई थी गाइस, लिटरली तरस गई थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं आ निदा है ना। दोनों बेबी साथ में, फाइनली दोनों बेबी एक साथ है, एक बड़ा एक छोटा है गाइस। दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का गैप है माशाल्लाह। जब दोनों बड़े होंगे तब दोनों खेलेंगे भी साथ में। सो गाइस इसी के साथ में व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अब्बा को बहुत अच्छा लगा बेबी को देख के, और सबको बहुत अच्छा लगा बेबी को देख के, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा बेबी को देख के। वैसे ही गाइस अगर हम लोग आप लोगों को बेबी का फेस दिखाएंगे तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपका व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।